जो नजरों के सामने कल होगा नहीं तुझको देखे बिन मैं मरना जाऊं फिर भी कि देखो ना ये बच्चा सही बैलेंस किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी, जैसे कि आपने प्रीवियस व्लॉग्स में देखा था कि मैं मम्मी की तरफ थी कुछ दिनों के लिए। सो अभी जो है वापस जा रहे थे, और हमारा ये होता है कि वीक में या 2 वीक्स बाद हसन को पार्क लाजमी लेके जाएं, और हमारे घर के पास ही है सो इतना दूर तो होता नहीं है। सो अभी हम हसन को पार्क लेके आए हैं, और आज फाइनली हम दिन के टाइम लेके आए, क्योंकि वैसे ये होता है कि यूजली हम रात के टाइम आते हैं। सो माशाल्लाह 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 कहना ना भूलिएगा। और ये हम पार्क में आ चुके हैं, और काफ़ी रश था। संडे का दिन है, और लोग जो होते हैं काफ़ी आए होते हैं अपने बच्चों को लेके। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये जो है वॉक ट्रैक के लिए भी है, जो अस्करी है आर्मी का वो होता है, उधर आप वॉक भी कर सकते हो। और कह रहा चले कहाँ पे रहता है, कहाँ जाना है? उधर चले, वो देखो, अच्छा वो देखो, अच्छा वो देखो, यहाँ पे जी मैं बैठी हूँ, और उमेर जो है हसन को ट्रेन में बिठा के लेके जा रहे थे। वो मुझे कह रहे थे कि तुम चली जाओ, तो मैंने कहा नहीं, मेरी बिल्कुल भी हालत सही नहीं है, तबीयत ख़राब है। सो उन्होंने मैंने कहा कि आप ही चले जाएं, और ये देखें माशाल्लाह से जो यहाँ की ट्रेन है वो चल पड़ी है, और हसन जो है ये बैठा है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये जी अब आने वाला है हसन, और ये आ गया माशाल्लाह से। इसको भी समझ नहीं आ रहा था, और ये मैं जूम इन करके थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ आगे जाके। और ये यहाँ से बाय बाय कर रहा था, और मतलब ये होता है कि बच्चों के यही एक्साइटमेंट होती है कि आप पार्क चले जाओ। और क्या लगता है, आहिस्ता देना थोड़ा। राम राम। हसन ऐसे बैठे जैसे नवाब ज्यादा नहीं होता ऐसे। हसन हसन सो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे थे, हमने कहा कि एक्सप्लोर करें। वैसे बाय द वे ये मेरे बचपन की भी पार्क है, हम लोग छोटे थे तो यहाँ पे आया करते थे, और इस साइड पे जो होता था पानी होता था, झील होती थी। अब तो इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, चेंज कर दिया, और यहाँ पे जी स्केटिंग जो बच्चे हैं वो कह रहे Thank you.
जा रहे हैं हम जा। यहाँ पे जी अब हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि जो थोड़ी सी रात हो गई थी और हसन ने तो खेल लिया था और आप देख सकते हैं शाम हो गई है। और जी ये जो है ये ट्रैक है वॉक करने के लिए, काफ़ी अच्छा क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पे करते होते थे वॉक, और मतलब हम लोगों ने 3-4 दफ़ा ही की थी वॉक। और सीन ये हुआ था कि मतलब स्टार्टिंग में जैसे वो नहीं होता कि बंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ओवर आप कह सकते हो, सो हम लोग ओवर हो गए थे और हम लोग ने जो है 7 किलोमीटर फर्स्ट डे हमने वॉक की थी, और विच इज़ लाइक के हमारे जो है मसल्स थे वो जो हो जाता है वो हो गया था। सो उसके बाद जो 3 दिन के बाद हम वॉक ही नहीं कर सके थे। सो जो होता है कि स्टार्टिंग हमेशा स्लोली लेनी चाहिए, लेकिन हम लोग ओवर हो गए थे एनी हाउ। सो ये आप देख सकते हैं प्लेइंग एरिया है और बच्चे माशाल्लाह से यही होता है कि संडे होता है वीकेंड होता है तो बच्चे जो हैं वो खुश होते हैं और मतलब पार्क वगैरह में लेके जाओ तो इधर 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 चलो सो गाइज आई एम हियर इन माई रूम, और रूम की हालत जो है लाइक सीरियसली मतलब यूज़ तो करते हैं लेकिन मतलब लाइक क्या कहूँ, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंद होता है, बहुत ज़्यादा इतनी कोई लेवल की जो है इस पर गंद पड़ा हुआ था ना कि मुझे इतनी इरीटेशन हो गई थी। सो मैंने जो जाना था मेरी सास और नंदों को छोड़ने से दर, सो मैंने कहा कि हसन को भी साथ ले जाएँ तो मैं जल्दी जल्दी से जो है सफाई कर लेती हूँ। अब मैं सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं, और फास्ट फॉरवर्डिंग पे मैंने लगाया हुआ है और बिल्कुल भी ये सोने के काबिल रूम था ही नहीं, इतनी गंदी सी बेडशीट हुई हुई थी और मतलब जब मैं नहीं होती तो सोते तो हैं। सो अभी जो है सही मैंने इसकी बेडशीट उतारी है और इसके अलावा जो डस्टिंग वगैरह है वो करूँगी, और इतनी जो है गंदी वो जो वो क्या कहते हैं उसे रूम हुआ हुआ था कि बस। और आप देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्डिंग में जो है बहुत ज़्यादा जो तेज़ वो हो रहे हैं लेकिन उसका तेज़ होता नहीं है वैसे। आई एम यूजिंग दिस कीवी स्प्रे, और ये फर्नीचर और शीशों के लिए बहुत अच्छी थी, और चाय गिरा गिरा के टेबलों का हाल जो है वो बुरा किया हुआ था। यहाँ पे जी टाइम हो चुका था 8:30 का और मैं भी तो मतलब गए थे सदर उनको छोड़ने, सो मेरे लिए था कि मैं जल्दी से साफ़ कर लूँ। और ये देखें जी आप एकदम से जो है शाइनिंग और सारा जो है मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि इतने गंद में सोना इज़ लाइक कि आप मैं तो नहीं सो सकती भाई। सो ये मैजिक देखिए, और रूम जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, और अभी हसन नहीं था सो मैंने सोचा यहाँ पे अभी जो है एक फ्रेम में नहीं उसमें पिक्चर्स लगाई हुई थी, कब से मैं कह रही हूँ मैं को कि जो पिक्चर्स हैं वो बनवा के ले आए लेकिन नहीं लाई, तो मेरे पास पड़ी हुई थी वही मैंने अपने एक फ्रेम में डाल दी। और यहाँ पे जो है ये फ्लावर्स में जो $1 से लाई थी वो मैंने रख दी है थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए, थोड़े से शशके के लिए ताकि आप लोग को दिखाऊँ। और इसके अलावा जो है फुल रूम टूर भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो ये जी साफ हो गया, और उसके साथ जो है संडे था सो कल के लिए मेरे के लिए जो है मैं जल्दी कपड़े प्रेस कर रही हूँ और ऑफिस के लिए, और जल्दी जल्दी प्रेस करके जो मैं हैंग कर लूँगी। और ये थी आज की वीडियो, और यहाँ पे हसन जो है बैठा हुआ था सोच रहा था। सो आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।